गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टुडे. आपकी फेवरेट एक्ट्रेस जो है वो तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन आज हम उनको देखेंगे किसी और ही अंदाज में. कुछ सीख रही हैं, बड़ी ही कोई मुझे तो अजीब डिफरेंट सी चीज लगी है, और आई एम लाइक वेरी मच मैं चाह रही हूँ, क्यूरियस हूँ इसके बारे में, घुस जाऊं इस टॉपिक के अंदर और जानूं कि क्या क्या चीजें सीख चुकी हैं अब तक. उनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे शोज पे आप उन्हें देखते रहते हैं, एक्टिंग में देखते रहते हैं, और भी चीजों में आपको दिखाई दे रही होती हैं, और यकीनन आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं. मैं बात कर रही हूँ सादिया इमाम की. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, और मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, आपके तमाम देखने वालों की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया. हमेशा की तरह खूबसूरत, बिल्कुल एक नए लुक के साथ बाल कटवा लिए हैं आपने. बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है कि एक जैसी लुक चल रही हो तो उसके बाद आपको अपने आप को चेंज जरूर करना चाहिए. बिल्कुल करना चाहिए. अब हम चलते हैं अपने सेकंड गेस्ट की तरफ, जो कि सादिया जी के उस्ताद हैं, और मैं बात कर रही हूँ महमूद आलम साहब की, जो कि सीनियर रेकी मास्टर हैं और थेरेपिस्ट हैं. रेकी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, उसमें हिप्नोथेरेपी फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, लेस स्ट्रेस, हाइपर चाइल्ड जो है उनका भी क्योर है, इंसोम्निया, बेटर स्लीप, डीप रिलैक्सेशन, स्पीच प्रॉब्लम और दूसरे माइंड प्रॉब्लम जो है वो रेकी के थ्रू ये हल कर देते हैं. तो महमूद आलम साहब से सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कि रेकी क्या है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र सब ठीक. सर एक चीज सवाल जरूरी. जी. सादिया कैसी स्टूडेंट है? सही है, फर्स्ट क्लास है माशाल्लाह. फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है. जी जी जी. और सादिया आपको कितनी डांट पड़ती है सर से? नहीं, मुझे काफी डांट पड़ती है. अभी रिसेंटली डांट पड़ी है बिकॉज परसों डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई तो मैं 3 हफ्तों से मलेरिया का शिकार थी. उसके बाद कुछ एंजाइटी, क्योंकि हमारा काम ऐसा होता है, कुछ हार्ट बीट, कुछ पल्स ने अपना साथ देना छोड़ा हुआ था. तो बड़े मजे से मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं हॉस्पिटल में हूँ. तो मुझे बकायदा एक डांट पड़ी के लिए, इतना सीखने के बाद भी अगर तुम हॉस्पिटल में हो तो ये फिर मेरी उस्तादी के ऊपर शक करने वाली बात है. okay. तो ये फिर कल घर आए और जब इन्होंने परसों बल्कि और इन्होंने मुझे हीलिंग दी तो मैं खुद हैरान थी कि वो जो परसों तक की कैफियत थी उसके बाद की कैफियत में जमीन आसमान का चेंज था. वाओ, व्हाट इज रेकी सर? रेकी देखिए, रे के मतलब है कायनाती, की के मतलब है कुवत, यानी अल्लाह ताला की कायनाती. ये देखिए हर चीज एनर्जी से बनी है. एनर्जी हर जगह मौजूद है, जिसमें इंसान, जानवर, पौधे, ये सब कुछ है. जानदारों के जज्बात, एहसास, रूहानी रूह और रूह की शफा की कुवत जो इंसान के जिस्म में लहरों की तरह सफर करती है. बिल्कुल. तो ये चीज जो है एक कायनाती कुवत है, हर जानदार को जिंदा रखती है. तो ये चीज सीखने के लिए ये होता है कि खास किस्म की क्लास होती है जिसको अट्यूनमेंट कहते हैं. अट्यून करने इसके मुराद जैसा ये है कि एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट को किसी लोहे पे आप रगड़े तो देखिए पावर सा आ जाता सही. है तो ये एक पावर ट्रांसफर करना पड़ता है, उसके बाद हम आपको कोई चीज बताते हैं और ये सब शफा का अमल है. उसके बाद इस काबिल आप हो जाते हैं कि आप ये रेकी कर सकते हैं. फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर घुटने में दर्द हो रहा है, दवा खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं, अगर दर्द नहीं जा रहा है तो इनकेस आप रेकी सीख के हीलिंग करें, उसकी दोनों जगह घुटने पे हाथ रख दें तो वो जगह हील हो जाती है. अच्छा. ये हयाती तवानी हाथों से निकलते, हाथों से निकल के उस जगह. जी, बोले बात काट रही कि मेरी मदर को शुगर है. अच्छा. और उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके घुटनों में अक्सर पेशतर दर्द रहता है और वो माशाल्लाह हज पे भी जा रही हैं. माशाल्लाह. तो उसकी भी मुझे बड़ी टेंशन थी. तो रेकी सीखने का जो पहला मेरे पास जो एक चीज थी ना कि मुझे क्यों सीखनी है, ठीक, अपने लिए तो सीखनी थी लेकिन वो माँ के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट थी सीखनी. तो वो उसका इतना अच्छा असर है कि अब उनकी माशाल्लाह शुगर कंट्रोल है, 118 पे उनकी शुगर है, उनके घुटनों का दर्द कंट्रोल है और उनकी जो पैरों में हर वक्त स्वेलिंग रहती थी वो नहीं रहती. तो वो ये सारी चीजें मैंने खुद देखी हैं अपने सामने होते हुए कि आप किस तरह, और फिर आप अपने लिए क्या कर सकते हैं. तो आप उनकी हीलिंग आप खुद कर रही होती? हाँ, उनकी मैं खुद करती हूँ बिकॉज मैंने लेवल 2 तक. लेवल 2, एक सेकंड, लेवल 2 तो जरा सुनिए, जहाँ तक सादिया पहुंच चुकी है. रेकी लेवल 2 सीख कर आप दूर बैठे अफराद जैसे कि मैं के इलाज के अलावा रिलेशनशिप, बिजनेस, ऑफिस और घरेलू मसाइल, शादी, रिश्ता और आपस में ना इत्तेफाकी जैसे मसाइल हल करने में मदद कर सकते हैं. सादिया जी, मेरी शादी कब होगी? बेटा, देखेंगे हम.
आज घर जाके तुम्हारी फिर रेकी की जाएगी। वाह यार, लेवल टू पे ये सारी चीजें भी। वैसे ये सारी बातें हमें मुझसे नहीं पूछनी चाहिए, इसका तो तुम्हारा जो को होस्ट है वो ज्यादा बेहतर बता सकता है कि शादियां ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुबह सुबह कहाँ शूट पे थे? बस क्या करें, काम ही ऐसा है। हमसे ज्यादा तो आपके लिए फोन आ रहा था, हम गेटिंग जेलस। मतलब सारे मैसेजेस, सारी कॉल आ रही। फैसल कहाँ हैं जी? फैसल कहाँ? हम लोगों ने बताया कि सुने वो यहाँ के होस्ट हैं, मतलब आज गेस्ट नहीं है वो, बस प्यार करने वाले हैं सारे, तो वो इस तरह से अल्लाह इस प्यार को इसी तरह बरकरार रखे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। रिकी के ऊपर बात चल रही है, रिकी के ऊपर बात चल रही है। महमूद आलम साहब यहाँ मौजूद हैं और सादिया ने वैसे आते के साथ ही एक चीज मुतालबा किया था हमसे कि वो फैसल की नकल उतार सकती है। कहने लगी मुझे डेढ़ मिनट लगेगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था मैं नकल उतार सकती हूँ, मैंने कहा था आप कहेंगी तो मैं फैसल की जहाँ कमी महसूस हो रही है वो मैं पूरी कर सकती हूँ। तो आ जाएं प्लीज, करें ना सादिया प्लीज। सादिया होना है यार। नहीं सादिया माशाल्लाह से जब ये नकलें उतारने पे आती हैं तो बड़ी तेज हैं ये, इन्होंने बड़े बड़े एक्टरों की नकलें ऑन एयर उतारी हैं। हाँ, वैसे वाकई और बड़ा बड़ा इन्होंने छेड़ा है लोगों को। तो करेंगे हम ये फैसल तो देखना है आज। नहीं फैसल नहीं देखना, मैंने एक्चुअली उनकी कमी पूरी करनी थी। तो कमी तो अब फिलहाल हो चुकी है। आर्टिस्ट का काम सिर्फ ये होता है कि अगर मेरा आर्टिस्ट इस वक्त नहीं पहुंचा है तो मैं महसूस ना होने दूं कि इस वक्त वो नहीं है, तो मैंने फॉरन बन जाना था। हाँ जी, मुस्कुराती मॉर्निंग में मैं मौजूद हूँ और हम देख रहे हैं, हमारे साथ आज डॉक्टर साहब मौजूद है, आज हम बात करेंगे ये करेंगे, तो फैसल साहब की शायद इतनी फिर कमी महसूस ना हो। मुस्तकिल बोलते रहे। हाँ, मुस्तकिल ताकि अगला बोल ही ना पाए, कि अगला कुछ पूछ भी पाए कि भाई वो छोड़ें, ये बताइए और बताइए ये सही है। वैसे अच्छा आइडिया। और वैसे भी आज एक तस्वीर मैंने दिखाई थी, फजूल में औरतों को बदनाम किया है। फैसल भाई दोबारा दिखा सके वो तस्वीर तो लगाइएगा कि उसपे जो है वो ये देखिए, सीट बेल्ट अगर ऐसी हो जाए गाड़ियों की तो 45% एक्सीडेंट्स जो हैं वो दुनिया में कम हो जाएंगे। नहीं, मेरा ख्याल है कि ड्राइविंग सीट से खवातीन हट जाए तो काफी भी एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। देखें, आप खुद कह रही हैं भाई, आप खुद खातून होके ये बात कर रही हैं। और एक एज के बाद तो खातून पर ना ये ड्राइविंग जो है ये खत्म हो जानी चाहिए कि भाई प्लीज, जहाँ आपने 40-50 क्रॉस किया आप घर बैठिए या ड्राइवर के साथ निकलिए। रीजन ये कि वो बस सनकी हो जाती हैं यार, आंटियां अजीब हॉर्न पे हॉर्न या कहीं भी घुस जाती हैं गाड़ियां लेके, तो वो बहुत मुश्किल हो जाए, वो रिस्की है भाई। वो लड़ाई भी होती है। हाँ, वो बहुत रिस्की है। नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग सेंसिबल ड्राइविंग, जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स की अगर हम बात करें तो वो जिस तरह गाड़ी चला रहे होते हैं तो कभी कभी इंसान कहता है, या कई अंकल गाड़ी ऐसे चलाते हैं कि बंदा कहता है कि भाई हेलो हेलो, ये फास्ट लेन है। हाँ, जैसे कल आपका एक्सपीरियंस चलानी भी होती है गाड़ी कभी कभी। कल मैं शो पे आ रहा था सुबह, और आप यकीन करें एक साहब मेरे आगे पत्नी चूंटी से रेस लगा के निकले थे घर से। जीते के देखते हैं कि तू पहले पहुंचती है कि मैं बाद में पहुंचता हूं। चूंटी। और भाई रश है, फास्ट लेन में आप गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, मैं सख्ती से अपने ड्राइवर को बोलता हूँ कि यार कोशिश करो कि लेफ्ट साइड से ओवरटेक ना किया जाए। बिल्कुल। सो उनको भी अपना क्या कहते हैं, हम टिप्पण भी मारा, हॉर्न भी दे रहे हैं भाई। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पता नहीं, मुस्तकिल मिजाज आदमी थे, मुस्तकिल मिजाज। हमारी गवर्नमेंट पे तो नहीं चले गए। एनीवे साथी, क्या क्या इसके अलावा और कुछ हो रहा है आजकल? इसके अलावा तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो जिंदगी में नया चेंज आया था वो ये था, जिसको लेके आज मैं यहाँ मौजूद भी हूँ अपने उस्ताद के साथ। तो मैं चाहती थी कि लोगों का एक जो कॉन्सेप्ट था रेखी को लेके, वो बड़ा पिछले कई प्रोग्राम्स में कई दूसरे लोगों के हिसाब से वो चेंज हुआ था। लोग इसको जादू टोने की तरफ ले गए, लोग इसको, ये एक्चुअली एक इलाज है। तो इलाज हम घर बैठे किस तरह कर सकते हैं वो हमने लोगों को बताना था कि आप अपने लिए खुद शिफा किस तरह ढूंढ सकते हैं। बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते सादिया इस बात पे, और जो करते हैं वो कहते हैं कि नहीं यार इससे कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मुझे तो बहुत फर्क पड़ा, मेरी फैमिली में बहुत फर्क पड़ा। इनफेक्ट ऐसे बहुत से मरीज हैं जो डॉक्टर साहब बताएंगे जिनका इतना फर्क पड़ता है, और इनके पास इतने ढेर सारे मरीज हैं। इजाज के अबू को बहुत फर्क पड़ा है। हाँ, वो मेरे पास आए थे, दो थेरेपी के, अल्हम्दुलिल्लाह सही है। सर बड़े लोग कहते हैं कि ये सारा जो है ना दिमाग का काम है, इसमें आप जो है वो सिर्फ हाइपनोटाइज कर रहे होते हैं। नहीं, 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 भी हाइपनोटाइज अलग चीज है। मैं लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ, इसमें मेरा 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 मुझ पे बिल्कुल मत डालिए। देखिए, हाइपनोटाइज अलग चीज है, एनएलपी अलग चीज है, ईएफटी अलग चीज है, रेकी अलग चीज। रेकी जो है हयाती तवानाई कहलाती है। अच्छा, जो आपके हथेली से निकल के मरीज के जहाँ दर्द हो रहा, कोई मसले हैं, अगर आप वहाँ हाथ रख दें
तो ये हयाती तवानीन उस जगह मुंतकिल होकर जिस कुव्वते मुदाफ़त कमी की वजह से जो बीमारी जर पकड़ी या दर्द हो रहा है, ये जाके उसकी ट्यूनिंग कर देती तो जो शफा का अमल शुरू हो जाता। अच्छा, वैसे कहाँ से ओरिजिनेट, कहाँ से? ये ओरिजिनेट जो है जापान से रिलेटेड है, जापान से मिका यूसुई एक थे। अच्छा। उन्होंने 1922 में सुशी खा के रीकी करवाए तो ज्यादा अच्छा हो। नहीं, असल पहले तो वहीं था, वहां से फिर एक मिसेस टकादरा थी हवाई की रहने वाली, वो वहां से अमेरिका से वहां गई सीखी, फिर ये इलम अमेरिका में, वहां से फिर पाकिस्तान में आस्ते आस्ते फैल रहा। अच्छा सर, एक और चीज मुझे बताएं कि इसके पेशेंट जो भी इसका इलाज करवाने आ रहा हो आपसे इसके थ्रू, उसका इस चीज पे यकीन रखना या बिलीव करना जरूरी होता है? नहीं, कोई ऐसी जरूरी नहीं। जाहिर वो पहली दफा आ रहा, सोच रहा, तो उसके इसके मुताबिक पूरी डिटेल हम बताते फिर करवा दे। देखिए, अगर नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रहा, आप रेकी करें, नींद आ जाएगी बगैर दवा के। सर पे हाथ रखना पड़ेगा। अगर बच्चा हाइपर है, परेशान है, जिद कर रहा है, तो मैं कहता हूँ वालदेन को रेकी सीखें, और फिर जब रात के वक्त वो सो जाए फिर उसके सर पे हाथ के रेकी दे। जो भी उसकी कोई भी गलत आदत है, कुछ है, मुस्बत तब्दीली करनी, तो आप जो सोचते हैं वो फीलिंग यहाँ से होते उसके माइंड में जाती। अच्छा। उसके बाद आस्ते आस्ते बच्चा चेंज हो जाता है, नहीं तो किसी को ला के दीजिए, मैं कर दूँ। जैसे मुझे अभी थोड़ी सी खांसी हो रही है, ये हो सकता है। और आपको पता है इसके चार ओत लिए जाते हैं, जब मैंने सीखी थी इसके चार ओत लिए जाते हैं, उसमें ये कि आप इसको नेगेटिव लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं दे सकते इसके थ्रू, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप इसको अपने लिए, मतलब अगर मैं चाहूंगी जी मुझे, मैं आज पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन जाऊं, तो ये मैं नहीं कर सकती। ये मेरे पास से जो जितनी भी, अगर मैंने इल्म थोड़ा सा बहुत भी सीखा है तो वो मेरे पास से चला जाएगा। तो इसकी जो ये बुनियादी चीजें हैं, इनके ऊपर हमें अमल करना प्योर। आपकी एनर्जी प्योर होनी चाहिए, देन आप अगले तक अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी जो नेगेटिविटी है उसको निकाल सकते हैं। और इसका ताल्लुक जमीन से होता है, क्योंकि जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जी आप नंगे पांव हो, आप अपने आपकी जो बॉडी है वो जमीन से टच होनी चाहिए, आपके हाथ में कोई मेटल नहीं होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जहां तक तुमने अभी पूछा था ना कि आपका यकीन, देखो यकीन तो आप पत्थर पे भी करोगे तो वो आपको शफा दे जाएगा। यकीन वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? आपको ये यकीन होता है ना कि इस डॉक्टर से मुझे शफा मिलेगी। सही। तो मेरा ख्याल है कि ये यकीन आपको होना चाहिए। अगर एक चीज जो आप खुद पढ़ रहे हैं, इनकी ये मेरा ख्याल वाहिद डॉक्टर है जिन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट ये बुक की है, और मेरा ख्याल है कोई भी बाशऊर आदमी जो है वो इसको पढ़ के रेकी सीख सकता है। बट ये कि आपको रेकी के लिए ट्यून्ड होने के लिए एक रेकी मास्टर की जरूरत होती है। तो आप एक दफा ट्यून्ड होते हैं, उसके बाद अपने लेवल्स आप खुद बढ़ा सकते हैं, आपके जितना उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। जबरदस्त। और मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आई, मैं अगर शुमाइला तैयार है तो वो तैयार ही रहे, मैं उन्हें अभी थोड़ी देर में ऊपर बुलाऊंगा। एक छोटी सी चीज आज हम कराएंगे के वो एक मस्ती जो करता हूँ, तो वो तीन खवातीन और एक मैं मिलके इन साहब को उंगलियों पे उठा लेंगे। रियली? आज करेंगे वो? हाँ, सही। आज हम एक रेकी करेंगे वो वाली। हाँ, ये वाली। हाँ, हम करते हैं। आपको डॉग्स है, आपको क्या पता, हम जादू करते हैं, हम लोग करते हैं। आप करते हैं ना? बाजू ये यहाँ लगा, यहाँ वो उठाते हैं। एग्जैक्टली। तीन खवातीन और एक मैं मिलके उंगलियों पे, सिर्फ उंगलियों पे ऐसे करके हम डॉक्टर साहब को हवा में उठा के आपको दिखाएंगे कितना ईज के साथ। ग्रेट। और आपको बता दें कि यहाँ पे एज सच कोई इनको हैंग नहीं किया जाएगा। पहले आपको पूरा हम चेक कराएंगे, आप बोलेंगे यहाँ बैठे, वहाँ बैठे, यहाँ बैठे, जहाँ बोलेंगे बिठा के इनको हम हवा में उठा के दिखाते हैं आपको। अच्छा फैसल, वी हैव अ कॉलर, वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम।